प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम टेली मसाला। चांदी जैसा रंग है जिसका सोने जैसे बाल अदाएं ऐसी कि जिसे देखते ही लोग घायल हो जाएं। और शायद छोटे पर्दे की ये पहली ऐसी नागिन है जिससे सभी को हो गया है प्यार। तो चलिए आपको ले चलते हैं मौनी की दुनिया में। मौनी का जन्म हुआ 28 सितंबर 1985 में कूच बिहार वेस्ट बंगाल के एक मिडिल क्लास फैमिली में। मौनी के पिता एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट है और माँ एक हाई स्कूल टीचर। मौनी यूं ही एक बेहतरीन अदाकारा नहीं है, उनमें एक्टिंग का जुनून आया उनके दादाजी शेखर चंद्र रॉय से, जो कि एक बहुत ही वेल नोन थिएटर आर्टिस्ट थे। मौनी की पढ़ाई लिखाई बाबुरहत कूच बिहार के केंद्रीय विद्यालय से हुई, जिसके बाद वो ग्रेजुएशन करने चली गई दिल्ली, जहां उन्होंने मिरांडा हाउस से इंग्लिश लिटरेचर से मेजर्स किया। मौनी के माता पिता का बहुत मन था कि मौनी एक जर्नलिस्ट बने, जिस वजह से ग्रेजुएशन करने के बाद मौनी ने एडमिशन लिया जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए। वैसे बचपन में मौनी एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी और एक्टिंग से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन हाँ, वो बचपन से ही बहुत अच्छी डांसर रही है। उनके इसी टैलेंट को देखकर उनके पेरेंट्स ने उन्हें कथक क्लास ज्वाइन करने की परमिशन दी। मौनी को कथक करने का ऐसा जुनून चढ़ा कि अपनी स्कूलिंग खत्म करने से पहले ही उन्होंने कथक में मास्टर कर लिया। अपने कॉलेज के दिनों में मौनी बतौर कोरियोग्राफर प्रैक्टिस करती थी और अपने इस टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काफी सारे वेस्टर्न डांस क्लासेस भी ज्वाइन किए। मास कम्युनिकेशन के कोर्स के दौरान उन्होंने अपना पोर्टफोलियो सबमिट किया और ऑडिशन दिया एकता कपूर के टीवी सीरियल के लिए, जहां एक ही बार में सिलेक्ट हो गई मौनी रॉय और अपना मास कम्युनिकेशन कोर्स अधूरा छोड़ निकल गई मुंबई अपने सपनों के पीछे दौड़ते हुए। मुंबई आने के बाद मौनी को अपना करियर का पहला ब्रेक मिला साल 2007 में, जहां एकता कपूर ने उन्हें एक ही नजर में ऑडिशन में सिलेक्ट कर लिया था कृष्ण तुलसी का रोल प्ले करने के लिए, तब के वन ऑफ द टॉप सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी के बेटी का रोल प्ले करने के लिए एकता को ऐसा चेहरा चाहिए था जो स्मृति ईरानी की तरह ही सिंपल हो और तुलसी का नाम आगे ले जा सके, और ये सभी बातें एकता को मौनी में दिखाई दी, जिस वजह से मौनी को मिला ये ड्रीम रोल। बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट ने भी अपना डेब्यू किया इसी सीरियल में मौनी के अपोजिट। एक साल बाद 2008 में मौनी ने शो क्विट कर दिया। इसके बाद उन्होंने पार्टिसिपेट किया जरा नच के दिखा के फर्स्ट सीजन में करिश्मा तन्ना और जेनिफर विंगेट के साथ, और साथ ही मौनी ने शो जीत भी लिया। फिर मौनी ने प्ले किया शिवानी का रोल कस्तूरी नाम के सीरियल में। फिर साल 2009 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया रियलिटी शो पति पत्नी और वो में उनके तब के बॉयफ्रेंड गौरव चोपड़ा के साथ। लेकिन मौनी का करियर टर्निंग रोल था सती का, देवों के देव महादेव में साल 2011 से 2014 तक। फिर 2014 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा में, जहां पूरे 14 हफ्ते सर्वाइव करने के बाद वो निकली एज अ फाइनलिस्ट। फिर लगभग एक साल टीवी से गायब रहने के बाद मौनी ने कमबैक किया छोटे पर्दे पर एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो नागिन से, जहां शिवन्या के किरदार ने उन्हें हर घर का हिस्सा बना दिया कि नागिन के खत्म होने के बाद एकता को नागिन का सीक्वल भी लाना पड़ा कुछ ही महीनों में। मौनी ने डांस शो सो यू थिंक यू कैन डांस को होस्ट किया ऋत्विक धनजानी के साथ। 2016 में मौनी ने बिग बॉस 10 में भी स्पेशल अपीयरेंस किया था। अभी करंटली मौनी काम कर रही है नागिन 2 में ऑपोजिट करणवीर बोहरा। वैसे तो मौनी ने अब तक बड़े पर्दे पर एज ए लीड कदम नहीं रखा है, लेकिन काफी सारे छोटे मोटे अपीयरेंसेस जरूर किए हैं, जैसे साल 2004 में एक हिंदी फिल्म सॉन्ग नहीं होना नहीं होना में दिखी मौनी, फिर साल 2011 में एक पंजाबी फिल्म के गाने में, और फिर तुम बिन 2 में एक आइटम नंबर में नचना औंदा नहीं।
अगर खबरों की माने तो बहुत जल्द सलमान खान अपने प्रोडक्शन बैनर के अंडर बनी फिल्म में लॉन्च करेंगे मौनी को, जिसका जिक्र उन्होंने कई बार बिग बॉस 10 के मंच पर किया था। 2016 में हुए आईफा अवार्ड्स में मौनी एकमात्र ऐसी टीवी एक्टर थी जिन्होंने बॉलीवुड एक्टर्स के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया था। अब इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मौनी कितनी ज्यादा पॉपुलर है। जितनी पॉपुलर मौनी है उतने ही सारे अवार्ड्स भी उन्होंने अपने नाम किए हैं, जैसे बेस्ट टाइटल डांसर ऑफ द सीरीज जरा नच के दिखा, उन्हें मिला इंडियन टेली अवार्ड फॉर देश की धड़कन बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर, और रिसेंटली हुए गोल्डन पेटल अवार्ड में भी उन्हें मिला बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल। मौनी के ज्यादा रिलेशनशिप्स नहीं रहे हैं, उनका सबसे पहला अफेयर था एक्टर गौरव चोपड़ा के साथ साल 2008 में, जिसको उन दोनों ने कभी भी नहीं छुपाया। दोनों खुलकर पब्लिक अपीयरेंसेस करते थे, एक साथ पार्टीज में आते जाते थे, यहाँ तक कि दोनों ने एक रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किया, पति पत्नी और वो। ये एक ऐसा रियलिटी शो था जहाँ कपल्स को पेरेंटिंग की आर्ट सिखाई थी। गौरव और मौनी का रिलेशनशिप 2 साल चला, दोनों ने कभी भी अपने ब्रेकअप की वजह खुलकर किसी को बताई नहीं, लेकिन दोनों के करीबियों का ये कहना है कि दोनों के बीच काफी पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गए गौरव की एक्स गर्लफ्रेंड नारायणी शास्त्री की वजह से। लेकिन इन खबरों को झुठलाते हुए गौरव ने कहा कि वो और मौनी इस वजह से अलग नहीं हुए थे। मौनी ने बिग बॉस 10 में एक स्पेशल अपीयरेंस किया था, पर वो काफी क्लियर थी कि वो घर के अंदर नहीं जाएंगी क्योंकि वो गौरव को फेस नहीं करना चाहती थी। खैर, अभी खबरें गर्म हैं कि मौनी टीवी के सबसे हॉटेस्ट हंक मोहित रैना को डेट कर रही है। दोनों मिले देवों के देव महादेव के सेट पर और एक दूसरे के साथ काम करने के तरीके से काफी इम्प्रेस हो गए। फिर शो खत्म होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ काफी नजर आने लगे, लेकिन दोनों ने आज तक ये बात कबूल नहीं की। लेकिन पार्टीज में साथ में दिखना, मंदिरों में साथ में दिखना, और वो भी एक दूसरे के फैमिलीज के साथ, कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि दोनों के बीच दोस्ती से कहीं ज्यादा है। हाल ही में दोनों गोवा में साथ दिखे थे, अपने अपने हेक्टिक शेड्यूल में बिजी होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका ढूंढ ही लेते हैं। मोहित के बर्थडे पर मौनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनके लिए एक खास बर्थडे विश पोस्ट किया था। और तो और, अपने इंटरव्यूज में मौनी ने यहाँ तक कह दिया कि मोहित उन्हें टीवी के सबसे सेक्सीस्ट एक्टर लगते हैं। अब इतना सब होने के बाद फैंस बस यही चाहते हैं कि दोनों गुड लुकिंग एक्टर्स को किसी की नजर ना लगे।